हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अनंत क्लासेस। सो इस वीडियो में हम रूपांतरित चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले अपन ने आग्नेय और अवसादी चट्टानें पढ़ ली थी। फर्स्ट आग्नेय पढ़ी थी। आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ था, जो ज्वालामुखी से जो लावा रहता है वो फटके बाहर निकल जाता है और लावा फटके ठंडा होता है, तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। उसके बाद आती है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों से होता है। जैसे जैसे आग्नेय चट्टानें टूटती है तो इनके कण वायु तथा जल के द्वारा दूसरे स्थान पर जमा होते हैं, जो जमा होकर के अवसादी चट्टानें बनाते हैं। उसके बाद थर्ड चट्टानें रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें क्या होती है, आग्नेय तथा अवसादी जो चट्टानें होती है इनके मूल रूप में भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के कारण जो रूपांतरण होता है उससे ही चट्टाने बनती है। तो देखते आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के मूल रूप में भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के कारण उनके रूपांतरण से रूपांतरित चट्टानें बनती है। तो आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के मूल जो रूप रहता है उनमें क्या होता है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के कारण उनका रूप चेंज होता है, उनका स्वरूप चेंज हो जाता है। तो यानी रूप में परिवर्तन हो गया, रूपांतरण हो गया, तो उससे क्या बनती है, यहाँ पे रूपांतरित चट्टानें बनती है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट इसका। उसके बाद ये जो चट्टानें बनती है ये किसके कारण बनती है, जल दाब तथा ताप के कारण। ये जो भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होते हैं किस कारण होते हैं, जल दाब तथा ताप के कारण। तो इसलिए इनको जलीय दाबीय तथा तापीय चट्टानें भी कहते हैं। इनमें रूपांतरण जल दाब तथा ताप के कारण होता है इसलिए इन्हें जलीय दाबीय तथा रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं कहते हैं। इनमें जो भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसके कारण रूप परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है, जल दाब तथा ताप के कारण होता है। इस कारण इनको क्या बोलते हैं, जलीय दाबीय तथा रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। इसके एग्जांपल देख लो आप, स्लेट, संगमरमर तथा शिष्ट ये क्या है, इसके एग्जांपल है। ठीक है, स्लेट, संगमरमर तथा शिष्ट। अब इनके प्रकार के बारे में देख लेते हैं। तो रूपांतरित चट्टानों के दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है सल्कीय चट्टानें और सेकंड आती है अशल्कीय चट्टानें। अब इनको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, क्या होती है अशल्कीय चट्टानें। इनको इंग्लिश में बोलते हैं फोलिएटेड रॉक्स। इनको बोलते हैं नॉन फोलिएटेड रॉक्स। अब देखो सल्के चट्टाने तथा असल्के चट्टाने क्या होती है। जो रूपांतरित चट्टाने जो कि सल्के टाइप की होती है, सल्के मतलब क्या होती है, यहाँ पे इनमें सल्के जमी होती है, मतलब परते। इसमें क्या होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो डायरेक्टली, कि इसमें जो खनिज होते हैं वो क्या होते हैं, परतदार जमे होते हैं। ठीक है, प्लेट नुमा आकृति में एक दूसरे के ऊपर ऐसे समानांतर जमे होते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इसमें जो खनिज है वो पहले दूसरा खनिज है, फिर उसके बाद अलग तरह का खनिज है, फिर अलग तरह का खनिज है। तो ये क्या है, एकदम से समानांतर जमे हुए प्लेट नुमा समानांतर खनिज जमे होते हैं। तो इन चट्टानों को क्या बोलते हैं, सल्की चट्टानें। तो इनमें जो खनिज होते हैं समानांतर खनिज प्लेट नुमा
समानांतर जमे होते हैं, समानांतर समानांतर, इनको फोलिएटेड रॉक्स बोलते हैं, समानांतर जमे होते हैं। इनके एग्जांपल देखें अपन तो इसमें आ जाएगा मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट तथा शिष्ट, शिष्ट, ठीक है। उसके बाद असल्की चट्टान है, असल्की चट्टानों में क्या होता है, जो खनिज होते हैं वो सभी दिशाओं में समान होते हैं, जितने भी खनिज होंगे वो इस डायरेक्शन में भी एक ही तरह के होंगे, इस डायरेक्शन में भी एक ही तरह के होंगे, इस डायरेक्शन में भी एक ही तरह के होंगे, यानी पूरे अगर पूरी चट्टान को मैं उठाऊं तो उसमें जो खनिजों की डायरेक्शन है और जो गुण होंगे वो एक ही दिशा में होंगे, तो खनिज सभी दिशाओं में समान होते हैं। इसका फिगर भी देख सकते हो आप, सभी दिशाओं में समान होते हैं, में समान होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा संगमरमर, संगमरमर, ठीक है, मरमर। तो क्या हो गया, शल्की जो चट्टाने थी उनमें क्या होगा, खनिज ऐसे पहले एक खनिज आ गया उसके समानांतर दूसरे खनिज आ गया, प्लेट नुमा आकृति, फिर ऐसे चलता रहता। लेकिन जो असल्की चट्टान होती है इसमें खनिज सभी दिशाओं में समान रहते, इधर भी एक ही तरह के रहेंगे, इधर भी, मतलब अगर वो एक साथ मिले हुए भी तो उनका कंपोजिशन इस डायरेक्शन में भी सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा, तो चारों तरफ उसका समांगी मिश्रण होता है खनिजों का, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं अपन मुख्य रूपांतरित चट्टाने, मुख्य रूपांतरित चट्टाने अपन देख लेते हैं। हाँ, अभी एक और टॉपिक है, रूपांतरित चट्टानों की विशेषता है, रूपांतरित चट्टानों की विशेषता देखें। रूपांतरित चट्टानों की विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो सबसे फर्स्ट है, ये जो चट्टान होती है वो अत्यधिक कठोर होती है, कठोर तथा इनकी जो सतह रहती है, चट्टानों की सतह क्या होती है, रवेदार, मतलब थोड़ी खुरदरी और दानेदार होती है, तो तथा इनकी सतह क्या होती है, एवं सतह, एवं रवेदार बोल देता हूँ डायरेक्ट, मतलब क्या होती है, जैसे ये सतह है तो ये तो प्लेन है, लेकिन इनकी क्या रहती है, खुरदरी खुरदरी रहती है और दानेदार रहती है, ठीक है, दाने दाने निकले रहते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने संगमरमर देखा होगा तो समझ जाओ आप, वो इसका ही एग्जाम्पल है, संगमरमर कठोर भी होता है, उसकी सतह देखोगे तो हल्की हल्की ऐसे रवेदार, मतलब चमकती हुई सी नज़र आती है अपन को, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है, ये क्रिस्टली होती है, क्रिस्टली होने के कारण दानेदार भी होती है, तो ये क्या होती है, क्रिस्टली होती है, क्रिस्टली होती है, तथा ये भी अपन ने देखा दो प्रकार की होती है, ये शल्कित फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड, शल्कित तथा अशल्कित दोनों प्रकार की होती है, अशल्कित प्रकार की होती है, शल्कित और असल्कित क्या है अपन ने देख ही लिया, प्रकार की होती है। उसके बाद देख लेते हैं अपन मुख्य रूपांतरित चट्टाने, मुख्य रूपांतरित चट्टाने, तो उसमें सबसे पहले आएगा शिष्ट, सबसे पहले क्या आएगा मुख्य रूपांतरित चट्टानों में, क्या आएगा सबसे पहले, शिष्ट आएगा, ठीक है, शिष्ट। तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर जब दाब तथा ताप पड़ता है तो उसके कारण क्या बनती है, शिष्ट चट्टाने। तो आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों पर, अवसादी चट्टानों पर दाब तथा ताप पड़ने के कारण, दाब तथा ताप पड़ने के कारण, के कारण इन चट्टानों का निर्माण होता है, शिष्ट बनती है, शिष्ट बनती है, शिष्ट का निर्माण होता है, शिष्ट का निर्माण होता है, ठीक है। और इनके कण क्रिस्टली होते हैं, इनके कण
क्रिस्टलीय होते हैं, होते हैं। इनके कण कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं। क्रिस्टलीय होने के कारण इनकी जो सतह वो कैसी रहेगी? दानेदार। क्रिस्टलीय होते हैं जिसके कारण ये दानेदार होती है। कैसी होती है? दानेदार होती है। युगाशिष्ट, शिष्ट किससे बनती है? आग्नेय तथा औषधीय चट्टानों पर जब प्रेशर, दाब तथा ताप पड़ता है तो उसमें जो रूपांतरण होता है उसके कारण शिष्ट चट्टानों की उत्पत्ति होती है। इसके कारण क्रिस्टलीय होते हैं, जिसके कारण ये कैसी होती है? दानेदार। सेकंड जो मुख्य रूपांतरित चट्टान है वो है संगमरमर। संगमरमर तो आपने सबने देखा ही होगा। सेकंड है संगमरमर, संगमरमर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्बल। अब संगमरमर किससे बनता है? संगमरमर बनता है चूना पत्थर से। तो ये किससे बनता है? ये चूना पत्थर से बनता है, चूना पत्थर। इसका मुख्य खनिज क्या हो जाएगा? केल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका मुख्य खनिज अगर ये जिस खनिज से बनता है उसको देखे तो क्या होगा? केल्साइट। कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या बोलते हैं अपन? केल्साइट, CaCO3। ठीक है, तो क्या हो गया? मुख्य खनिज केल्साइट होगा। अब जो भी चट्टानें ऐसी रहती है जो शुद्ध केल्साइट से बनती है उनका रंग कैसा होता है? एकदम सफेद होता है। जो भी संगमरमर रहता है वो अगर शुद्ध केल्साइट से बनाओ तो उसका रंग कैसा होगा? सफेद। लेकिन अगर उसमें अशुद्धि आती जाएगी तो उसका रंग सफेद से कुछ सिलेटी टाइप कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर प्योर केल्साइट से बनाओ शुद्ध से तो उसका रंग कैसा होगा? सफेद। तो शुद्ध केल्साइट से बना संगमरमर सफेद होता है, सफेद, प्योर सफेद होता है। ठीक है, एकदम चमकता हुआ अगर वो शुद्ध केल्साइट से बना होगा। अगर देखा जाए तो सबसे जो ज़्यादा प्रचलित चट्टाने हैं, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध संगमरमर, सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध संगमरमर है वो का है? नागौर जिले के मकराना सिटी। ठीक है, वहाँ का जो संगमरमर है, तथा अजमेर बोल दो इसको, किशनगढ़ ब्रैकेट में लिख दो अजमेर। ठीक है, ये जो संगमरमर होता है ये कैसा होता है? उत्तम किस्म का होता है। तो सबसे ज्यादा उत्तम किस्म का संगमरमर राजस्थान में नागौर जिले के मकराना तथा किशनगढ़ के अजमेर जिले में मिलता है। ठीक है, तो ये मुख्य खनिज हो गया केल्साइट, शुद्ध केल्साइट से बना संगमरमर सफेद होता है। प्रसिद्ध संगमरमर या फिर उत्तम संगमरमर देखा जाए तो राजस्थान में नागौर जिले के मकराना में तथा किशनगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, ये होगी पूरी चट्टानें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।